आइए अब चलते हैं हम छठे अध्याय की तरफ। शिव पुराण के श्रवण की विधि। सोनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए। इससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सूत जी ने कहा, मुने सोनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तुम्हें शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का आदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब ओर फल पुष्प सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बांचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराणवेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को ही पुण्यमयी कथा को बांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 PM तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिन में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर्व पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।